केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को कायम रखने की महत्ता पर जोर दिया। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 49वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान शाह ने कहा, मोदी जी देश को 5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए गंभीर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय 4 दिवसीय केरल दौरे पर हैं। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड की यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। दरअसल यात्रा के दौरान राहुल गांधी के तमाम गार्डों सुरक्षा के घेरे को लांघते हुए एक शख्स ने उन्हें किस कर लिया। मुंबई के वायकुला के लकड़ी मार्केट में आग लगी, किसी के घायल न होने की आशंका जताई जा रही। आग पर काबू पाने के लिए फायर टेंडर की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर एस धामी ने देश में फ्लाइंग यूनिट की पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनी है। वो देश की पहली ऐसी महिला वायुसेना अधिकारी है जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनाव की हार के बाद पहली बार बिहार महागठबंधन की बैठक पटना में शुरू हुई। बैठक पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर चल रही है। इसमें सभी दलों के लोग शामिल थे। चंबा में मूसलाधार बारिश की वजह से भारंगला के पास बना पुल ढहने से मणिमहेश यात्रा पर गए हजारों श्रद्धालु और वाहन दोनों तरफ फंस गए। हरसर और भरमौर को जोड़ने वाला यह पुल मणिमहेश यात्रा का एकमात्र सड़क रूट है। इसके बाद प्रशासन ने यात्रा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। साथ ही श्रद्धालुओं को निकालने के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई। लोक निर्माण विभाग इसका जुट गया है। बादल फटने से धराली खंड में बाढ़ आ गई है। बड़े बड़े पत्थर और मलबा रिहायशी इलाकों में पहुंच गए। इसमें एक दर्जन गाड़ियां दब गई और कई घरों में मलबा घुस गया। मलबा आने से नेशनल हाईवे 5 भी बंद हो गया। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज बहराइच के दौरे पर रहे। इसके साथ ही सीएम योगी ने आज बलरामपुर का भी दौरा किया। सीएम योगी ने बहराइच में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज से लोगों को फायदा मिला है। 13 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए बीएसपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मायावती ने पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद उपचुनाव के 12 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया। अमेठी के भिखारीपुर गांव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अचानक पहुंची। यहां पर उन्होंने पुलिस अभिरक्षा में पिछले 2 दिन पहले मृतक राम के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना प्रदान की। जालौन में मुख्यमंत्री के संभावित दौरे की कवायद तेज हो गई है। दौरे को लेकर झांसी रेंज के डीआईजी सुभाष बघेल जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों की पड़ताल की। माटीकला विभाग के अध्यक्ष राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति के मुजफ्फरनगर पहुंचने पर प्रजापति समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। राज्य मंत्री कल अधिकारियों से मीटिंग करेंगे। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। गैंगस्टर पर लूट हत्या समेत कई मुकदमे दर्ज। हमीरपुर में महिलाओं ने शराब की दुकान खोलने के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं ने डीएम से मामले की शिकायत की थी। सुनवाई न होने पर सुभाष बाजार के मेन रोड पर जाम लगाया। मुरादाबाद के नगर निगम में सफाई कर्मचारियों ने कार्यालयों में ताला लगाया। सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने शहर में सफाई व्यवस्था ठप करने की धमकी भी दी। लखनऊ के डीएम कौशल राज शर्मा ने जनता दरबार लगाए, लोगों की शिकायतें सुनी। झांसी में अवैध शराब के डेरों पर छापेमारी की गई। 2000 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई और लहर नष्ट किया गया। डेरों पर बनी भट्टियां भी तोड़ी गई। अलीगढ़ में अतरौली के जिरौली धूम सिंह की घटना, जहां फर्नीचर शोरूम में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। झांसी रेलवे स्टेशन पर यात्री की लात घूसों से पिटाई करने वाले रेलकर्मी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। रेलकर्मी ने यात्री की लात घूसे से पिटाई की, जिसकी वजह से हड़कंप मचा रहा।
मथुरा के थाना वृंदावन क्षेत्र में युवक ने लगाई फांसी। 50 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नियमों का पालन न करने और बार बार आग्रह करने के बाद भी सुधार न करने पर मंडल की 3 शुगर मिलों को बंद करने के आदेश दिए। जालौन में उरई नगर पालिका अध्यक्ष अनिल बहुगुड़ा पर जानलेवा हमला। दबंग सभासद प्रतिनिधि नीरज राजपूत ने झोंका फायर। हादसे में बाल बाल बचे नगर पालिका अध्यक्ष। मेरठ में स्कूल संचालकों ने 1300 स्कूल बसों का चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया। स्कूल मालिकों ने सरकार के नियमों के खिलाफ यह ऐलान किया। जालौन के खलीलपुर गांव में दबंगों ने कुएं पर कब्जा कर लिया, जिसका विरोध करना वृद्ध को महंगा पड़ गया। दबंगों ने वृद्ध को धक्का मार दिया। कुएं के चबूतरे से गिरकर वृद्ध की मौत हो गई। मुरादाबाद में चलने वाले जन आंदोलन के शुरू होने से पहले ही कुम्हारों के अच्छे दिन आ गए हैं। कुम्हारों को कुल्हड़ बनाने के ऑर्डर मिल गए हैं। वो एक दिन में करीब 2000 कुल्हड़ सप्लाई कर रहे हैं। मेरठ में गायब हुए 2 बच्चों को सोशल मीडिया की मदद से दिल्ली में बरामद किया गया है। आज रेस्टोरेंट से कढ़ाई पनीर ऑर्डर करें। मैं बनाती हूँ ना आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट।